डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 5 12th में बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बन साइकिल पढ़ा था। इनफैक्ट बीच में एक टॉपिक आ गया हार्ट का स्ट्रक्चर, जो मैंने डाला हुआ था। ये आप लोगों के लिए नहीं था, ये हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन पार्ट 2 के लिए ये डायग्राम को समझाने के लिए डाला गया था। पर फिर भी ये बायोलॉजी सिलेबस का ही पार्ट है, तो आप भी उसे देख सकते हैं और हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकते हैं। अब हम लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू करें तो बायो जियो केमिकल साइकिल में हम लोगों ने वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल पढ़ लिया। आज हम लोग फास्फोरस साइकिल पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। ठीक है, यहाँ एक मिनरल्स की बात हो रही है। इससे पहले हम लोग वाटर और कार्बन की बात कर रहे थे, जो मोस्टली गैसियस फॉर्म में वहाँ वो मूव कर रहा था, पर आज हम लोग फास्फोरस की बात करेंगे, जो एक मिनरल्स है और सॉलिड फॉर्म में मूव करता है। इसलिए यह एक सेडिमेंट्री साइकिल है। हम लोगों ने पढ़ा था कि बायो जियो केमिकल साइकिल दो तरह का होता है, गैसियस और सेडिमेंट्री। तो यह एक सेडिमेंट्री साइकिल है और फास्फोरस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे और जेनेटिक्स पूरी तरह बेस्ड है डीएनए पर पूरी तरह बेस्ड है। और इसमें आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक्स में। और डीएनए और आरएनए के निर्माण में फॉस्फेट या फास्फोरस की आवश्यकता होती है। बिना इसके डीएनए या आरएनए या हम कह लें न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और डीएनए बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, जिसमें हमारे सारे जेनेटिकल कैरेक्टर अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। यह जेनेटिकल कैरेक्टर को एक्सप्रेस भी करता है और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए और आरएनए का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स, महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण अवयव है फास्फोरस, फास्फेट। बिना इसके हम डीएनए आरएनए की संरचना के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ डीएनए आरएनए के लिए नहीं, इसके अलावा हमारे बोन्स, हड्डियों में कैल्शियम के बाद जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल्स है वो है फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बोन्स के फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। पर वहाँ जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, जो लिपिड पाया जाता है वो है फॉस्फोलिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ रही है। इस तरह से कई संरचनाओं में और एंजाइम्स के फंक्शन में हमें फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, डीएनए के निर्माण में, आरएनए के निर्माण में, बोन के फॉर्मेशन में, हड्डियों के निर्माण में, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, इन सारे चीज़ों में हमें आवश्यकता होती है फॉस्फेट की। तो ज़रूरी है कि फॉस्फेट हमें रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे, और यह मुख्य रूप से हम ग्रीन वेजिटेबल्स के द्वारा इन्हें प्राप्त करते हैं। तो फॉस्फोरस ज़रूरी है, और इसका भी हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में एक साइक्लिक रूप में मूवमेंट होता है। ठीक है, चक्रीय रूप में ये मूव करता है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, सजीव, जैविक और अजैविक घटकों के बीच यह मूव करता है और एक चक्र बनाता है, जिसे हम फास्फोरस साइकिल कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पहले लिख लें, उसके बाद इसका जिक्र करेंगे कि यह मूवमेंट कैसे होता है। तो चलिए, व्हाट इज फास्फोरस साइकिल, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। लिखेगा, आप नोट कर सकते हैं, फास्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल्स। Which is important for the formation of the important components of DNA, RNA, bones and plasma membrane. इनफैक्ट नॉट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे सेल में जहाँ भी मेम्ब्रेन है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो, ठीक है, गॉल्गी बॉडी का मेम्ब्रेन हो, सभी में लिपिड पाया जाता है और वो लिपिड है फॉस्फोलिपिड।
फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। यह एक कंजुगेटेड लिपिड है। आप लोगों ने 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ कंजुगेटेड लिपिड, यानी जब लिपिड किसी अन्य मिनरल्स या कंपाउंड के साथ जुड़ता है, एलिमेंट के साथ जुड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कंजुगेटेड लिपिड। और यहाँ एक लिपिड जो है फॉस्फेट के साथ जुड़ रहा है और यह बना रहा है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल में मौजूद किसी भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है। तो कई चीज़ों में के फॉर्मेशन में, बनाने में, जैविक संरचनाओं के निर्माण के लिए फॉस्फोरस ज़रूरी है। जैसा हम लोगों ने लिखा डीएनए आरएनए, हमारे बोन्स, हड्डियों के निर्माण के लिए ध्यान रखना है। हड्डियों में कैल्शियम के बाद जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल्स है वो है फॉस्फेट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है। अब हम लोग थोड़ा सा फास्फोरस साइकिल के बारे में बात कर ले, समझ लें, उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इसके बारे में। तो फास्फोरस साइकिल क्या है ये जान लें। फास्फोरस मुख्य रूप से हमारे अर्थ के क्रस्ट यानी ऊपरी सरफेस में, चट्टानों में पाया जाता है, पत्थरों में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। और जब भी वर्षा होती है तो बारिश के कारण इन पत्थरों में मौजूद फास्फोरस इरोजन के कारण, क्षरण के कारण, इरोजन यानी क्षरण के कारण, बारिश के पानी के कारण इसका जो क्षरण होता है, इससे फास्फेट इन चट्टानों से या अर्थ क्रस्ट जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, उसकी ऊपरी सतह से अलग होकर टूटकर मिट्टी में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यह रॉक से किस में आ गया, रॉक से ये पहुंच गया सॉयल, ठीक है। बारिश के कारण इसका क्षरण हुआ, पत्थरों में से फास्फोरस आ गया सॉयल में, और सॉयल में आने के बाद प्लांट इनका एब्जॉर्प्शन करती है, जड़ों के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। और इस एब्जॉर्प्शन के बाद यह प्लांट में पहुंचते हैं, जहां पर प्लांट के में इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। प्लांट में भी सेल है, सेल के मेम्ब्रेन में है, और यह कई ग्रीन वेजिटेबल या फ्रूट्स में स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में भी थोड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है, जो हम जो है मनुष्य या दूसरे एनिमल्स अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और इस तरह से यह फॉस्फेट हमारे बॉडी में भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नेचर में, जो अर्थ सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स में जो फॉस्फोरस है, वह बारिश के कारण हुए क्षरण या दूसरे तरह से जो क्षरण की प्रक्रिया होती है, इरोजन की प्रक्रिया होती है, उससे ये सॉयल में आता है, सॉयल से प्लांट में आता है, और प्लांट से एनिमल में पहुंचता है। और जब एनिमल या प्लांट मरते हैं तो उनके अवशेष का डीकम्पोजिशन होता है, और उसके अपघटन के बाद यह फॉस्फेट पुनः मिट्टी में मिल जाता है। यह मिट्टी में मिलने के बाद फिर से प्लांट में जा सकता है, या फिर यह लगातार मिट्टी में दबे रहने के कारण इसका सेडिमेंटेशन होता है, और सेडिमेंटेशन के बाद यह पुनः रॉक्स में मिक्स हो जाता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, पत्थरों में, चट्टानों में, कड़े संरचना में बदल जाता है। तो इस तरह से यह चक्रीय प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इसे ही हम फास्फोरस साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लें, आपको आई थिंक कुछ हद तक समझ में आ गया होगा ये पूरी प्रक्रिया। तो फास्फोरस साइकिल को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए नोट करें। इट इज ए सेडिमेंट्री साइकिल, मैंने शुरुआत में ही बताया तो किसमें मिनरल्स है, ठीकेगा, फास्फोरस इज मेनली प्रेजेंट इन रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। चलिए एक चरण की बात कर लें, यह एक सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है। फास्फोरस मुख्य रूप से धरती की ऊपरी सतह, जिसे हम इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहते हैं, इसमें मौजूद
चट्टानों में पाई जाती है और वर्षा के कारण इन चट्टानों का क्षरण होता है, जिसके फलस्वरूप फास्फोरस चट्टानों से निकलकर मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका पहला प्रक्रिया है, साइकिल का सबसे पहला चरण है, जहां पर कि फास्फोरस जो है अर्थ क्रस्ट में मौजूद रॉक्स से निकलकर मिट्टी में आ जाती है। ठीक, चलिए आगे लिखे, फ्रॉम सॉयल प्लांट्स एब्जॉर्ब एक्ट एंड यूज इन डिफरेंट फंक्शन। यह प्लांट में कुछ मात्रा में स्टोर भी किया जाता है। आगे लिख सकते हैं, फ्रॉम प्लांट इट कम्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन। है ना, जब हम प्लांट को खाते हैं या प्लांट के किसी पार्ट का एज ए फूड मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें जो फॉस्फेट मौजूद है वह विभिन्न जंतुओं या में या ह्यूमन में पहुंच जाता है। इस तरह से हमें प्लांट से फॉस्फेट की प्राप्ति होती है, यानी इनिशियल सोर्स जो ह्यूमन के लिए फॉस्फेट का है, फास्फोरस का है, वो है प्लांट। इनफैक्ट हमें दूसरे एनिमल से, यानी जो हम एनिमल फूड्स हैं, मीट वगैरह है, उससे भी हमें फॉस्फेट मिलता है, पर इनिशियली हम देखें तो ये कहीं ना कहीं से ये प्लांट से ही एनिमल्स में आता है। तो एनिमल्स आर द प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फेट, तो हमें इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फॉस्फेट रॉक्स में था, रॉक से सॉयल में आया, सॉयल से प्लांट, प्लांट से एनिमल में पहुंचा, तो अभी तक ये साइकिल नहीं बना पाया। अब हम इसको साइकिल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि जब प्लांट और एनिमल्स मरते हैं तो उनके डेड बॉडी डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद उसमें मौजूद फॉस्फेट वापस सॉयल में आ जाता है, सॉयल से ये पुनः प्लांट में जा सकते हैं, यानी एक साइकिल एक तरफ से बन गया। या फिर यह फॉस्फेट जो सॉयल में आया है, ये लगातार पड़ने वाले दबाव के कारण, अर्थ में जो प्रेशर है उसके कारण, यह फिर से रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन यानी कई परतों का निर्माण करते हुए यह फाइनली फिर से रॉक में बदल जाता है। तो इस तरीके से फास्फोरस साइकिल की प्रक्रिया होती है। चलिए इसको भी हम लोग नोट कर लें। ठीक है, लिखिएगा, व्हेन एवर, आगे नोट करें, व्हेन एवर प्लांट एंड एनिमल्स आर डाई, देन ड्यू टू डीकंपोजिशन फॉस्फेट इज कम्स आउट। फॉस्फेट लिखें या फॉस्फोरस लिखें, इज कम्स आउट इन सॉइल, फ्रॉम सॉइल इट अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट प्लांट और ड्यू टू सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन मैंने बताया अभी कि धरती पर होने वाले जो धरती के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है, दबाव के कारण ये परतों का निर्माण करते हैं और ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यू टू सेडिमेंटेशन इट कन्वर्ट इंटू convert into rocks। तो इस तरह से यह एक साइकिल पूरी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फास्फोरस साइकिल। यह एक सेडिमेंट्री साइकिल है। चलिए नोट कर लें, इसके साइकिल का ग्राफ बना लें तो बेहतर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बायो जियो केमिकल साइकिल भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, रॉक्स में क्या है, फॉस्फोरस, रॉक्स से, रॉक्स के इरोजन के कारण ये आ गया किसमें, सॉयल में, है ना,
सॉइल में, सॉइल से ये आ गया प्लांट में, प्लांट से ये आ गया एनिमल में, और एनिमल और प्लांट दोनों के डेड बॉडी से यानी डीकम्पोजिशन से ये फिर आ गया सॉइल में, डीकम्पोजिशन से ये कहाँ आ गया सॉइल में, या फिर ये जो डीकम्पोजिशन आया सॉइल में ये सेडिमेंटल सेल्स के कारण फिर बदल गया ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ये कन्वर्ट हो गया रॉक्स में, और यह साइकिल लगातार चलता रहता है। तो ये हो गया फास्फोरस साइकिल का ग्राफ। इनफैक्ट इसमें हम लोग एक बात और नोट कर लें तो बेहतर होगा, फास्फोरस साइकिल में मेजर चार स्टेज है, अगर हम वो याद रखें तो हम इसे ग्राफ को बनाना या इसको समझा पाना आसान होगा। मुख्य रूप से चार स्टेजेस हैं फास्फोरस साइकिल के। सबसे पहला स्टेज है वेदरिंग, वेदरिंग ठीक है, यानी मौसम रेन के कारण जो इसका इरोजन होता है, फर्स्ट स्टेज ठीक है। दूसरा है क्योंकि हम जानते हैं वेदरिंग यानी रेन के कारण क्या हुआ, रॉक से फास्फोरस अलग हुआ, सॉइल में मिक्स हो गया। अब इसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के द्वारा, तो सेकंड स्टेज इज एब्जॉर्प्शन, ये इसका सेकंड स्टेज है ना। तीसरा स्टेज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि जब प्लांट और एनिमल के बॉडी जो डेड हो जाते हैं, डेड बॉडी से ये डिकम्पोज होता है ठीक है, तो तीसरा स्टेज है डीकम्पोजिशन, और चौथा है और लास्ट स्टेज है ये है सेडिमेंटेशन। तो ये इसके लास्ट स्टेज है सेडिमेंटेशन, ये इसके स्टेज है चार।